हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 6। हम क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड लेसन में क्या क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट से क्या क्या पढ़ा? तो फर्स्ट पढ़ा हमने नाउन, उसके बाद अब हमारा क्या चल रहा है? प्रोनाउन। क्या चल रहा है? प्रोनाउन। प्रोनाउन के हमने कितनी टाइप पढ़ी? 8 टाइप। कौन कौन सी? तो फर्स्ट क्या थी? पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? इम्फेटिक प्रोनाउन, आइडेंटिफाइड प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, तो आपको याद ही होगा ना सब में क्या क्या करना था। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दोज एंड दिस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वो, विच, वोम, वोज, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि जिसके पीछे सेल्फ या तो स्लेव्स लगता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन में कि वो सेल्फ एंड स्लेव्स ही लगेगा जिसके एंडिंग में, पर वो ओनली यूज होगा इम्फेसिस ऑन द प्रीसेंडिंग प्रोनाउन। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाइड प्रोनाउन, उसमें क्या था कि जिसके बारे में कोई वो जनरली बात की गई होती है, कोई एनी पर्टिकुलर पर्सन या तो थिंग के बारे में बात नहीं करते, वो होगा हमारा आइडेंटिफाइड प्रोनाउन। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसमें क्या था? तो इसमें था कि वो कोई एट ए टाइम वन पर्सन या तो थिंग के बारे में बात की गई होती है, तो वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या था? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड ए बिकॉज इट रिलेट्स द टू सम नाउन। ओके, अब आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वाइनिंग विद द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे हम ज्वाइंट, हमारा जो सेंटेंस है उसको कैसे हम ज्वाइंट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। रिलेटिव प्रोनाउन्स आर ऑल्सो यूज टू ज्वाइन टू और मोर सेंटेंसेस। ओके, रिलेटिव प्रोनाउंस में उसको ज्वाइन करना है टू या तो टू से ज़्यादा सेंटेंस से हम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, आई शो ए गर्ल शी वॉज सिंगिंग। यहाँ पर टू सेंटेंस दिया है, फर्स्ट क्या है? आई शो ए गर्ल, सेकेंड है शी वॉज सिंगिंग। तो उसको मुझे ज्वाइन करना है तो मैं क्या करूँगी, उसको ज्वाइन करूँगी कैसे? तो रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से। ओके, तो देखोगे आई शो ए गर्ल वू वॉज सिंगिंग, इसमें मैंने रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिया? वो। क्या लिया? वो। वैसे दूसरे भी एग्जाम्पल में लिख सकती हूँ, दिस इज द कैट इट किल्ड द रैट। ओके, तो दोनों सेंटेंस को मुझे ज्वाइन करना है तो दिस इज द कैट विच किल्ड द रैट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 7। तो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्या है? आई शो ए सोल्जर ही हैड लॉस्ट अन आर्म। ओके, तो उसको हमें ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे हम? आई शो ए सोल्जर वू हैड लॉस्ट अन आर्म। ओके, सेकंड, दिस इज द हाउस जैक बिल्ट इट। तो दिस उसका आंसर होगा, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। ओके, थर्ड नंबर, द हॉर्स वॉज लैम वी शो द हॉर्स। तो आंसर होगा, वी शो द हॉर्स दैट वॉज लैम। ओके, फोर्थ नंबर, शो द रोड, द रोड लीड्स टू दिल्ली। तो आंसर होगा, शो द रोड विच लीड्स टू दिल्ली। फिफ्थ नंबर, माय फादर इज डैड, एवरीवन लव माय फादर। तो आंसर होगा, माय फादर वूम एवरीवन लव इज डैड। ओके, तो आपको यहाँ पर समझ में आता ही होगा कि मैंने क्या रिलेटिव प्रोनाउन रखा है। सिक्स नंबर, I met a boy, he was very cool. तो आंसर होगा, I met a boy who was very cool. Okay. सेवन नंबर, the man
ही इज हॉनेस्ट, द मैन इज ट्रस्टेड. तो आंसर होगा द मैन वो इज हॉनेस्ट इज ट्रस्टेड. ओके. एट नंबर, ही गॉट इन टू द बस, इट वॉज फुल ऑफ पीपल. तो आंसर होगा ही गॉट इन टू द बस विच वॉज फुल ऑफ पीपल. ओके. नाइन नंबर, ही इज माई कजिन, आई वॉज स्पीकिंग ऑफ हिम. सो इट्स आंसर इज द पर्सन टू वोम आई वॉज स्पीकिंग इज माई कजिन. टेन नंबर, आई हियर्ड ए सॉन्ग, द सॉन्ग प्लीजेड मी. सो इट्स आंसर इज आई हियर्ड ए सॉन्ग विच प्लीजेड मी. इलेवन नंबर, आई मेट रवि, रवि हैज़ जस्ट रिटर्न. सो इट्स आंसर इज आई मेट रवि वो हैज़ जस्ट रिटर्न. ओके. ट्वेल्व नंबर, हियर इज द शर्ट, यू लेंट मी द शर्ट. सो इट्स आंसर इज हियर इज द शर्ट विच यू लेंट मी. ओके. थर्टीन नंबर, हियर इज ए बुक, द बुक कंटेन्स पिक्चर. सो इट्स आंसर इज हियर इज ए बुक विच कंटेन्स पिक्चर. फोर्टीन नंबर, दोज मैंगोज वेर वेरी स्वीट, यू ब्रॉट देम. सो इट्स आंसर इज द मैंगोज विच यू हैव ब्रॉट वेरी स्वीट. ओके. फिफ्टीन नंबर, मोहन इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली. सो इट्स आंसर इज मोहन इज माई फ्रेंड वो लिव्स इन दिल्ली. ओके. आर यू गॉट इट? इज एक्सरसाइज नंबर सेवन. सो लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मिक्स एक्सरसाइज. तो उसमें हमें क्या करना है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, पिक आउट द प्रोनाउंस फ्रॉम ईच ऑफ द पैसेज, नॉट देम डाउन ऑन योर नोटबुक, यू हैव ऑल्सो ए मेंशन द काइंड ऑफ द प्रोनाउन. ओके. मैंने यहाँ पर पैराग्राफ में कलर किया है, आपको ये जो प्रोनाउन है वो आपकी नोट में लिखना है. तो फर्स्ट ए का जो पैराग्राफ है वो मैं रीड करती हूँ, और यहाँ पर मैंने जो कलर किया है वो आपको अपनी नोट में लिख देना है, और उनकी जो टाइप है वो भी आपके नोट में लिख देनी है. ओके. दिस इज नॉट माई बुक, आई बोरो इट फ्रॉम माई फ्रेंड, ही हैज़ टू कॉपीज ऑफ द बुक, हीज ब्रदर स्टडीड इन द सेम क्लास लास्ट ईयर, वन ऑफ द बुक्स इज हीज ब्रदर्स ब्रोविंग हीज नॉट ए गुड हैबिट, इन फैक्ट आई माई सेल्फ हैट बोरोविंग एनीथिंग, बट दिस इज ए डिफरेंट मैटर, अवर फैमिलीज आर सो क्लोज दैट वी आर ऑलमोस्ट वन फैमिली. तो आपको यहाँ पर जो दिस है वो किस में आएगा, दिस दैट दोज ऐसा कुछ आता है तो वो किस में आएगा, डोमेस्टिटिक प्रोनाउन. ओके. आई वी ही शी इट ये सब है जो वो किस में आएगा, पर्सनल प्रोनाउन. ओके. तो आपको इस इसमें से जो ही शी इट माई माइन वी ये सब है वो किस में लिखना है, पर्सनल में. दिस दैट दोज ऐसा कुछ है तो वो डोमेस्टिटिव में. वो वूम विच वूज ऐसा कुछ है तो इंट्रोगेटिव में. एंड हिमसेल्फ सेल्स ऐसा कुछ है तो वो आएगा किस में आएगा, रिफ्लेक्सिव या तो इम्फेटिक प्रोनाउन में आएगा. ओके. तो ऐसे बी में भी जो है वो भी आपको लिख देना है. सो लेट मी स्टार्ट सी नंबर की एक्सरसाइज. इसमें क्या करना है, जॉइन बाय यूजिंग सुशेबल रिलेटिव प्रोनाउन. ओके. रिलेटिव प्रोनाउन से हमें जो सेंटेंस दी है उसको हमें जॉइन करना है. सो फर्स्ट, दिस इज द बुक, He wrote this book. तो its answer is this is the book which he wrote. Okay. Next, she brought some mangoes, the mangoes were sweet. So its answer is she brought some mangoes which were sweet. Third number, on the way we met another climber, the feet of the climber were frozen. So its answer is on the way we met another climber whose feet were frozen. Okay. Next,
Yesterday I met a girl. She is the tennis champion. So its answer is yesterday I met a girl who is the tennis champion. Okay. Next, he is a doctor. I had seen him here last night. So its answer is he is the doctor whom I had seen here last night. Okay. Sixth number. You are making an excuse. It is a lame excuse. So its answer is you are making an excuse which is a lame excuse. Seven number. Ravi's money was lost. Ravi went to the police. Okay. So its answer is Ravi was whose money was lost went to the police. Eight number. He told a joke. We could not understand the joke. So its answer is he told a joke which we could not understand. Okay. Next. People waste money. Such people come to grief. So its answer is people who waste money come to grief. Okay. Last. They sang a song. The song was a patriotic songs. So its answer is they sang a song which has a patriotic song. Okay. तो आपकी यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन की ब्रांचेस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है. अब उसकी नेक्स्ट ब्रांचेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके.